आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीबीए कोर्स के बारे में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रवि बत्रा, जो इस बारे में हमें पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन देंगे। बीबीए कोर्स की फ़ीस क्या होती है, कहां से किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाएंगे। आपको इस चैनल पर रेगुलर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की लेक्चर्स फ्री में मिल रहे हैं, आप उन्हें जाकर अटेंड कीजिए। आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल पर आ सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह है मिस्टर रवि बत्रा। आज हमें ये पूरा बताएंगे कि बीबीए कोर्स में क्या करना है। आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि बीबीए है क्या चीज़। बीबीए जो है उसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो बाकी भी होते हैं, बीए है, बीकॉम है, पर ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स इस तरीके से कि प्रोफेशनल डिग्री की तरह कोर्स है। तो इसको करने से आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, जो बाकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के मुकाबले में बेटर रहेगा। तो इसमें जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से बच्चे इसमें जा सकते हैं? इसके लिए कोई भी 12th क्लास का जो पास्ट पास आउट स्टूडेंट्स है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। उसको किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो या कॉमर्स का हो, वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा 12th क्लास पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो CBSE का हो, ICSE का हो या किसी स्टेट बोर्ड का हो, 50-55% क्वालिफिकेशन चाहिए इसके अंदर, मार्क्स चाहिए, और कोई बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। ये कोर्स वैसे कितने साल का होता है? ये कोर्स है बीबीए का 3 साल का, जिसमें सेमेस्टर वाइज है। सेमेस्टर वाइज मतलब हर 6-6 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं, और पूरा 3 साल का टोटल 6 सेमेस्टर इस पूरे कोर्स में रहेंगे। तो 6 सेमेस्टर्स अगर होते हैं तो हर एक के सेमेस्टर्स की जो कैलकुलेशंस होती है, नंबर्स जो होते हैं वो हर सेमेस्टर्स के अलग अलग आते हैं, तो हमें लास्ट में जब फाइनल ग्रेड लगते हैं तो वो कैसे लगते हैं? देखो, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, हर 6-6 महीने में एग्जाम्स होते हैं, लेकिन फाइनल जो डिग्री मिलेगी, जो फाइनल आपको वेटेज मिलेगी इसकी पास करने की, वो आपको फाइनल 3rd ईयर पास होने के बाद मिलेगी। तो नॉर्मली आप पूरा 3 साल का कोर्स करते हैं, उसके बाद आपको फाइनल 3 साल के बाद आपको एक फाइनल ग्रेड मिलता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होंगे, सेमेस्टर्स यानी कि आपके एक सेमेस्टर 5 महीने का होगा और एक सेमेस्टर 5 महीने का होगा, यानी कि 2 मंथ्स की तो ड्यूरेशन छुट्टी होती है, तो वैसे 6 मंथ्स का कहते हैं बट होता वो 5 मंथ्स का ही है। बिल्कुल। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी जो आपने हमें बता दिया, पर हमें ये बताइए कि इसमें हम जा कैसे सकते हैं, एंट्रेंस होते हैं या ऐसे ही एडमिशन्स मिल जाते हैं? इसमें दो तरीके के प्रोसेस हैं, दो तरीके हैं इसके अंदर, जैसे कि एक होता है डायरेक्ट और एक होता है एंट्रेंस बेस्ड। तो जो डायरेक्ट है, इसमें कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 12th के मार्क्स के हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन दे देती हैं, वो डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर है। लेकिन बाकी जो लगभग 85-95% यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर ही आपको बीबीए में एंट्री मिलती है। तो एंट्रेंस बेटर है या डायरेक्ट, अगर जिस पर 12th में नंबर आ जाते हैं तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले लें या फिर एंट्रेंस? नहीं, देखो डायरेक्ट जो कुछ यूनिवर्सिटीज प्रेस्क्राइब्ड हैं कि वही डायरेक्ट बेसिस पे लेंगी, सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डायरेक्ट एडमिशन 12th के बेस पे नहीं लेती हैं। तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज बताए, 85% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम के बेस पर ही आपको एडमिशन देती हैं, डायरेक्ट बेसिस पर सब नहीं देती हैं। इट मीन्स ये हुआ कि एंट्रेंस जो है वो बेटर रहता है, एंट्रेंस जो है वो जो भी यूनिवर्सिटी लेगी वो यूनिवर्सिटी बेटर होगी, ना कि जो डायरेक्ट लेते हैं उनकी थोड़ी डिमांड कम होगी, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और एंट्रेंस के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग मतलब एग्जाम्स हैं, जो अपने एंट्रेंस के एग्जाम से एडमिशन देते हैं। तो एंट्रेंस के लिए लोगों बच्चों को क्या क्या प्रिपरेशंस करनी होंगी, उनको किस टाइप के टेस्ट देने पड़ेंगे? पहले तो मैं बताऊँ कि किस किस तरह के टेस्ट होते हैं। टेस्ट इसमें जैसे सबसे पहले आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस वक्त है जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती है अपना, उसमें कई सारे कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और वो अपने बच्चों को इसमें एडमिशन देती हैं। तो IPU का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा BBA करना चाहता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट है, वहाँ ले सकते हैं, उसके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में BBA का कोर्स कर सकते हैं। साथ साथ एक है सिम्बायोसिस का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो सिर्फ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो वहीं पर जो सिम्बायोसिस में एडमिशन लेना चाहता है उसको सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। पर दो ऐसे भी कोर्सेज हैं जैसे कि ये नेशनल प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट है और एक IIMA का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है,
अगर आप इनको टेस्ट को पास करते हो तो आप ये पर नेशन वाइड पूरे देश के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस आईमा का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट और जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है उनके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चों को अलग से कोचिंग वगैरह लेनी पड़ेगी या खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं? देखो, वैसे तो ये कोर्स ऐसा नहीं है कि इसमें जो एंट्रेंस में चीज़ें आती हैं, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जो आपको पढ़ाई कराते हैं। लेकिन आप अगर चाहो तो खुद स्किल है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तो आप खुद भी सेल्फ प्रिपेरेशन करके भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपको इसमें पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इसमें कौन कौन से एंट्रेंस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? एंट्रेंस के लिए आपको सब्जेक्ट्स की जरूरत जो पड़ सकती है, इसमें जो एग्ज़ाम में आता है, एक तो आपका जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जनरल नॉलेज के बाद आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एक टॉपिक है, वो आपको आना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग की चीज़ें हैं, साथ साथ इकोनॉमिक्स और बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो टॉपिक्स हैं आपके पास, चाहे इकोनॉमी के बारे में हो चाहे बिजनेस स्टडीज़ के बारे में जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है, उनके टॉपिक्स को अगर आप सही तरह पढ़ लो तो बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाती है और उसी बेस पर आपका पूरा एग्जाम एंट्रेंस का बनता है। और एंट्रेंस पास करने के लिए जैसे बताया कि अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं और थोड़ी सी प्रिपरेशन अपनी मेहनत करोगे एक दो महीने की, बहुत ईजिली आप इसमें एग्जाम में पास कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो प्रोग्राम है बीबीए कोर्स जो है वो रेगुलर भी इंस्टीट्यूट्स में होता है और डिस्टेंस भी होता है। yes, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? बिल्कुल, देखो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रेगुलर कोर्स कराती हैं, और लेकिन रेगुलर कोर्स करने के लिए आपके पास टाइम चाहिए, आपके पास पूरा डेडिकेशन चाहिए उसके अंदर रेगुलर कोर्स करने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं साथ साथ, अगर कोई ज़रूरत है वो जॉब कर रहे हो, टाइम अवेलेबल नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रोविज़न है कि वो लोग इसको डिस्टेंस, जो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस कोर्स के थ्रू भी कई यूनिवर्सिटी, सिम्बायसिस भी है, IPU भी है, तो इनके थ्रू आप डिस्टेंस कोर्स भी कर सकते हो। तो डिस्टेंस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और रेगुलर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अच्छा, BBA करने के लिए हमारे पास क्या मतलब रीज़न है कि हम BBA की स्टडी करें, हम उसमें स्टडी क्या क्या स्टडी करें? BBA में ना आपको ना मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है, तो इसमें आपको ना कई सारी चीज़ें, आपको मार्केटिंग के बारे में, HR के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारी आपको नॉलेज मिलती है। जो बाकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसके अंदर, जैसे हम BCom की बात करते हैं, तो BCom के अंदर आप सिर्फ कॉमर्स या अकाउंट्स रिलेटेड मैटर्स पढ़ते हो, लेकिन BBA के अंदर आपके पास मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, HR का, आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे खुल जाते हैं, आपके पास बहुत बढ़िया नॉलेज बेस बन जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो चीज़ें काम आती हैं तो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई आपको हर चीज़ की नॉलेज मिलेगी। नेटवर्किंग है, कैरियर में बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे BBA कोर्स करने के बाद, और आपकी प्रोफेशनल डिग्री तो साथ साथ मिलेगी मिलेगी और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी इसके अंदर। तो BBA जो कोर्स है उसमें पास, मैंने सुना है कि पास कोर्स भी होते हैं और उसमें स्पेशलाइजेशन भी होते हैं, स्पेशलाइजेशन जो है वो किन कोर्सेज में होते? देखो, BBA एक होता है नॉर्मल कोर्स है, पास कोर्स है, जिसमें आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती, एक नॉर्मल सिंपल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। लेकिन BBA प्रोफेशनल एक कोर्स है जिसके अंदर आपको अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन मिलती है। आप BBA करने के साथ साथ कई सारे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो टॉपिक से, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, यहाँ तक कि कई बार तो फाइनेंस के अंदर भी यहाँ पर अरेंजमेंट मिल सकता है, आपको स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, लॉजिस्टिक्स का है, साथ साथ आपको इसमें जो US का CMA कोर्स है उसके अंदर भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, आप बाहर जाकर भी इसमें कोर्स कर सकते हैं, और बाकी बिजनेस एनालिटिक्स से जुड़े हुए कोर्सेज के अंदर स्पेशलाइजेशन भी आपके पास अवेलेबल है। BBA कोर्स में सिलेबस क्या होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इसमें? BBA के एंट्रेंस में क्या आता है ये तो हमने बता दिया क्या क्या आता है, लेकिन BBA जब कोर्स करने जा रहे हो तो इसके अंदर आपको हर तरीके की नॉलेज दी जाती है। आपको इसके अंदर मार्केटिंग की, HR की, फिनेंस की, प्रोडक्शन की, यहाँ तक कि कई अकाउंट्स की नॉलेज भी दी जाती है। यहाँ पर आपके पास देखो पर्सनलिटी डेवलपमेंट होती है एक तरीके की, यानी कि हर चीज़ की नॉलेज मिल रही है, बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है इसमें आपको पूरी नॉलेज मिलती है, आपकी कन्वर्जेशन स्किल्स बढ़ती हैं, राइटिंग स्किल्स बढ़ती हैं, आपके एटिकेट में बहुत सारी इंपॉर्टेंस इसमें चीज़ें मिल जाती हैं आपको, और बाकी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है वो तो होती होती है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसे पढ़ाए जाते हैं, तो एक तरीके से ओवरऑल आप एक मैनेजर की तरह काम करना शुरू कर सकते हो। इसमें जब हमने कोर्स कर लिया तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे मिलती हैं बच्चों को? कई जगह, बहुत सारे हैं, यानी कि देखो एक BBA करने के बाद नॉर्मली लोग MBA करना चाहते हैं, लेकिन अगर BBA करने के बाद भी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कहाँ कहाँ मिल सकती हैं? जैसे कि आप किसी बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कंसल्टेंसी के अंदर, और एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, क्योंकि यहाँ पर हम BBA के अंदर एक्सपोर्ट के बारे में भी पढ़ाते हैं, तो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, कंसल्टेंसी मैंने बताई थी, तो मार्केटिंग कंपनीज हैं बहुत सारी, जैसे जो मार्केटिंग रिसर्च का काम करती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं,
R&D के अंदर आपका काम हो सकता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो BBA करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो जॉब जो मिलती है वो किस एरियाज में मिलती है, किस टाइप की जॉब मिलती है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि हमें मार्केटिंग फील्ड में अगर जा रहे हैं तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आपकी पोस्ट मिल सकती है, आपको मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिल सकती है, सेल्समैन जैसे होते हैं। उसके अलावा HR में HR डिपार्टमेंट के अंदर HR मैनेजर आपका काम मिल सकता है आपको। R&D मैंने बताया रिसर्च डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, और फाइनेंस के अंदर भी आपका फाइनेंस में आप फाइनेंस मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंट्स डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो आपको मिल सकती हैं। और यहाँ तक कि कई जगह तो प्रोडक्शन के अंदर भी प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट भी आपको मिल सकती है। इसमें कौन कौन की कौन सी कंपनियों में हम अप्लाई कर सकते हैं? इसके बाद कई सारी कंपनीज हैं जो BBA का कोर्स करने के बाद वहाँ पर प्लेसमेंट कराती हैं, जैसे कि बैंक्स के अंदर ICICI बैंक, HDFC बैंक है, और इस FMCG कंपनीज के अंदर हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, और IT कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट है, सोनी है, और TCS है, इन्फोसिस है। ये कंपनीज हैं जो BBA करने के बाद भी कई बच्चों को प्लेसमेंट दे रही हैं। ये कोर्स करने में हमें कितना फीस पे करना पड़ता है? अगर फीस की बात की जाए तो देखो, गवर्नमेंट सेक्टर की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हैं। तो अगर गवर्नमेंट के अंदर आप कर रहे हो, जैसे IPU के अंदर कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके पास लगभग 1.5 से 2 लाख की मैक्सिमम 3 साल की फीस बन जाती है, ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन अगर प्राइवेट के अंदर भी कर रहे हो तो ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 लाख मैक्सिमम आपके पास फीस जा सकती है किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी अगर आप करते हो। तो ये सब करने के बाद, BBA का एक कोर्स करने के बाद, एक बच्चा अगर सर्विस के लिए जाता है तो उसके कितने में सैलरी लगती है? सैलरी की बात की जाए तो वहाँ पर देखो, बड़ी से बड़ी छोटी कंपनीज, हर तरह की कंपनीज आती हैं, तो हाईएस्ट पैकेज तो इसमें चला जाता है लगभग 6 से 8 लाख के आसपास। हम एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते, पर 6 से 8 लाख भी कम नहीं होता एक स्टार्टिंग के लिए। पर एक एवरेज पैकेज कम भी जाता है तो 2 से 4 लाख, 4 लाख या 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास तो एवरेज पैकेज आ ही जाता है किसी हालत में, किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर इस कोर्स को करता है तो। आपकी नज़र में ये कोर्स जो है वो एक बेनिफिशियल कोर्स है कि आप बहुत अच्छा कोर्स करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कोर्स है। 12th के बाद आपके पास, जैसे बताया था कि बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, लेकिन BBA में आपको एक अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी अलग फील्ड से मिलती हैं, क्योंकि BCom करने के बाद आप अकाउंटिंग फील्ड में जाते हो और इसके अंदर, लेकिन BBA करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुल जाती हैं। आप बैंक्स के अंदर, HR के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, फाइनेंस के अंदर, कई जगह डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हो, तो रास्ते खुल जाते हैं बहुत सारे आपके लिए। इसलिए बहुत अच्छा कोर्स है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो हर एक को प्रोफेशनल डिग्री अच्छी लगती है, एक सिंपल अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अलावा, इसलिए आप इसमें जा सकते हैं। थैंक यू सो मच रवि जी, आज आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आज हमारे बच्चों को कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला होगा, जो भी BBA कोर्स लेने वाले होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको ये बेनिफिट मिलेगा और आपको आने वाली और भी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आपको अगर कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में मिल जाए। आपको अगर इसकी पूरी कोर्स की रिटर्न में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप उस पर जाकर ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय।